दोस्तों, मैं हूँ रेणुका डोरा और मैं एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो ये है मसाला पुलाव और कैसे बनते हैं, आइए मेरे साथ मेरे लास्ट तक वीडियो तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और उसमें पानी डालेंगे, 2 गिलास पानी डाली हूँ और इसमें 3-4 चम्मच धनिया ऐड की हूँ, गोटा धनिया है, और इसमें तेज़पत्ते 4-5 लूँगी और सही मिर्च है, सही जीरा है सब 1-1 चम्मच, 4 इलायची, 5-6 लौंग, दालचीनी के टुकड़े, बड़े इलायची और जावित्री सबको डाल देंगे, गोल मिर्च भी डालेंगे और सबको खोलने के लिए रख देंगे जब तक ये 1/2 गिलास ना हो जाए। अब एक कुकर में ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल, और उसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, प्याज मैं बड़े बड़े 3 प्याज ली हूँ और उसको फ्राई कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी पुलाव बनते हैं, मसाला पुलाव। तो प्याज को फ्राई करना है, जब प्याज फ्राई हो जाए तब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच है, और इसे भी भून लेंगे। 2 गिलास पानी को में मसाला डाल के बॉईल करना है जब तक वो 1 गिलास ना हो जाए, तब तक बॉईल करने हैं। और ये बासमती चावल है, इसको मैं अच्छी तरह से वाश कर ली हूँ और इसको पानी पूरा निकाल ली हूँ। अब इसमें डालूँगी प्याज के साथ, इसे भी फ्राई करनी है, भून लेना है थोड़ा। अब इसके जगह में कतरनी चावल आते हैं, उसे भी यूज कर सकते हो, गोल दानी चावल भी आती है, उसे भी यूज कर सकते हो, सब में अलग फ्लेवर देंगे। मैं बासमती चावल यूज कर रही हूँ। अभी पानी है, जैसे 1 गिलास, मैं अगर 2 गिलास चावल ली हूँ तो 4 गिलास पानी ऐड करना है, जिसमें मैं अगर 2 गिलास चावल ली हूँ तो 1 गिलास मेरा मसाला वाला पानी और 3 गिलास मेरा प्लेन पानी। तो जो प्लेन वाटर है उसको मैं बॉईल कर ली हूँ और ये तो बॉईल था ही, तो चारों को मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड की हूँ, मसाला को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था उस और पानी को अलग निकाल लिया था, वही पानी ऐड की हूँ। और ये बिरयानी पाउडर मसाला, तो बिरयानी मसाला 1/2 टेबल स्पून डालेंगे। और सीटी लगाएंगे इसको हाई फ्लेम में, 1 सीटी होने से पक जाती है ये, और जब ठंडा हो जाए तो इसके ढक्कन खोलेंगे। देखिए बन गए हैं गर्मा गर्म मसाला पुलाव, खाने के लिए अब रेडी है। अब इसे परोसे, दिख रही है ना कितनी अच्छी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर न्यू है चैनल पे तो बेल आइकन के साथ प्रेस करें और शेयर भी करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दें। थैंक यू।